ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से भारत लौटे छात्र महेश टांक उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उदयपुर एयरपोर्ट से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने महेश टांक को चित्तौड़गढ़ पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर अरविंद पोसवाल और परिजनों ने महेश का स्वागत किया। छात्र के परिजनों ने सरकार का आभार जताया। इस दौरान यूक्रेन से लौटे छात्र महेश टांक, उनके परिजन और कलेक्टर अरविंद पोसवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, तो राज्य सरकार पूरी शिद्दत के साथ लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के छात्र थे, फंसे हुए थे, निकल के पहुँचे। हमारे साथ छात्र महेश टांक, जानने की कोशिश करेंगे निम्बाड़ा के पास के रहने वाले, किस प्रकार का माहौल था, कैसा मंजर था, आँखों देखा हाल आपने नज़दीक से देखा है, कैसे देखते हैं आप उसे? सर, अभी जो हालत मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे बहुत बुरी है। इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ निकल गए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। मैं खुद 25 तारीख से घर से बाहर हूँ, एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर पे जा रहा हूँ, कहीं एक बॉर्डर पे पता चलता है ये बॉर्डर क्लोज हो गई है, दूसरी जा रहा हूँ। -6 डिग्री में रातों सात सात आठ आठ घंटे खड़ा रहता हूँ, 40 किलोमीटर पैदल चलता हूँ तब जाके वहाँ बॉर्डर पर पहुँचता हूँ। फिर वहाँ से दूसरी सिटी जाके, दूसरी बॉर्डर पे जाके वहाँ से क्रॉस करके फिर अब आया हूँ। वहाँ जिस प्रकार का हालात बने हैं, जिस प्रकार का मंजर देखने को मिल रहा है, कहीं आपने आँखों से देखा दूर से? सर, मेरी जो सिटी है वो वेस्ट पार्ट में है, यूक्रेन के वेस्ट पार्ट में है, तो वहाँ पे इतने हालात नहीं थे। हालांकि हमारे भी सिटी में लास्ट डे जब मैं वहाँ था तब हाई अलर्ट पे था, हमको भी नीचे बंकर में ले जाया गया था। वहाँ पे रुकने को कहा गया था कि जब तक कोई वो ना दिखे तब तक बाहर नहीं निकलना है। फिर जब थोड़ा वो सुबह हुई तब तक नॉर्मल हुआ था तो हमें फिर बाहर निकलना। जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर छात्रों को लाने के लिए पूरी तरह से शिद्दत से प्रयासरत है, वो प्रयास कैसे थे? केंद्र सरकार ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। बीच में थोड़ा सा एम्बेसी से हमारे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जाके थोड़ी स्पीड बढ़ी है और हम अच्छे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी हेल्प करके बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में हेल्प की है। राजस्थान सरकार मैंने काफ़ी अच्छा, मैं जब दिल्ली पहुंचा वहां से मुझे राजस्थान हाउस पहुँचाया गया, अच्छे से रेस्ट करने के लिए रूम दिया गया, खाना पीना दिया गया। वापस वहाँ से उदयपुर तक का पूरा फ्लाइट अरेंज करी, यहाँ तक आने का पूरा वो पूरा राजस्थान सरकार ने किया। महेश के फादर हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, घर का चिराग है, आंखों के सामने है, कैसे देखते हैं? जी सर, सकुशल भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से पुत्र की वापसी स्वदेश पर दोनों सरकारों का आभार प्रकट करते हैं और इन शब्दों के साथ कि बांट दें सबको फूल से हंसती हुई खुशियां और इस धधकती आग में लाएं न झिझकें।